जैसे कि अगर हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, क्या है? अल्काइल हैलाइड. अब इसकी रिएक्शन को अगर हम कराते हैं किससे? मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से. किससे? ड्राई मतलब सूखा, सूखा वाटर होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है बोलो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर एम जी एक्स. ठीक है, ये बन जाता है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कभी बनाया आप लोगों ने? अब इसमें इसमें बात यह है कि जो एम जी है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि एम जी इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है एम जी टू प्लस और इलेक्ट्रॉन्स में. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से जो अल्काइल हैलाइड है ये पोलराइज हो जाता है, इस पर अटैक, ये बाहर हो जाता है. तो पहले ये बनाता है फ्री रेडिकल और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाता है कार्बन आयन. क्या बना लेता है बोलो? कार्बन आयन. ये है एक्चुअल में रिएक्टिव पार्ट. ये क्या है? रिएक्टिव पार्ट है. तो आर एम जी एक्स में जो रिएक्टिव पार्ट है वो आर है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एम जी टू प्लस है. ये एक्स माइनस इससे ओपोजिट चार्ज की वजह से लिगेंड की तरह जुड़ा रहता है और जो ईथर मॉलिक्यूल है वो भी इस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करते रहते हैं बाय अट्रैक्टिंग विद एम जी टू प्लस. तो जब तक ये ड्राई ईथर होता है, इसमें वाटर नहीं होता है, तब तक ये ऐसे एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, स्टेबल रहता है. लेकिन अगर अपन पानी डाल दें, अल्कोहल डाल दें, एल्डिहाइड डाल दें, कीटोन डाल दें, तो ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये सारे पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं. और इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्टिकल होता है वो आर माइनस होता है. अरे हाँ कि ना? और ये पार्टिकल उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं. पूरी कहानी आर माइनस की है. जो आर माइनस है ये दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है और या फिर ये बेस होता है. दो तरीके का बिहेवियर शो करता है, या तो न्यूक्लियोफाइल होता है या ये बेस होता है. ऑल गुड. लिखना चाहते हो? लिख लिया? फटाफट कॉपी करते जाओ. ठीक है, सब लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, साड़ी के फॉल्सा. अब हम सब भी म्यूट करके अनम्यूट करके चिल्लाएंगे, ताली बजाएंगे. वो गाना है ना एक साड़ी का. आगे बढ़े. अब मेरी बात सुनो. एक क्वेश्चन इस पे ये भी आ सकता है कि ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है आरडीएस, तो जितना आसानी से ये लीव करेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. तो मतलब अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास आरआई है, आरबीआर है, आरसीएल है और आरएफ है, तो फास्टेस्ट रिएक्शन कौन है? फिर और ये सबसे स्लो हो जाएगा आरएफ, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड बनाने के काम में आता ही नहीं है. बिकॉज सी एफ बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एफ माइनस इज द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, इट विल नॉट बी यूज टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. समझ गए? तो आप कभी भी देखोगे तो आर एम जी आई, आर एम जी बी आर, आर एम जी सी एल देखोगे, कभी भी आर एम जी एफ देखने वाले नहीं हो. आगे बढ़े. क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि ग्रिग्नार्ड हमने बना तो लिया. अब इसकी रिएक्शन सबसे पहली जो होती है वो एज ए बेस होती है. किसकी तरह होती है? एज ए बेस. बेस बोले तो क्या? जो एच प्लस निकाले वो बेस. जैसे सी एच थ्री एम जी सी एल, ये किसमें टूटेगा? सी एच थ्री माइनस एम जी टू प्लस सी एल माइनस. तो बच्चों अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर से, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, इसलिए ड्राई लिया था. तो यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? एच से. ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसा है. एच किससे जुड़ा रहे? ओ से या एन से या एस से या सारे हेलोजन से? यस और नो? तो क्या होता है? जो ये बेस है, यह एच ओ टू एटम है, बेबी एटम, बेबी को बेस पसंद है, तो एसिड बेस रिएक्शन से अल्केन बन जाता है. बाकी चार्ज बैलेंस करने वाली बात है, एम जी टू प्लस सी एल माइनस ओ एच माइनस, दैट्स ऑल. ठीक है, ये रिएक्शन से अल्केन बनता है. क्या बनता है? अल्केन बनता है. समझ गए? इसके अलावा बच्चों दो और एक्सेप्शन है. जैसे एक सी एच टू है
और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट हैंड साइड में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहां से भी एच निकल सकता है, क्योंकि यहां अगर लोन पेयर आएगा तो दोनों तरफ माइनस एम लगेंगे, हाईली हाईली स्टेबल कार्बन आयन बनता है। और एक बात, साइक्लोपेंटाडायन ये भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि यहां से अगर एच निकलेगा तो ये ग्रिग्नार्ड, सॉरी यहां पर जो कार्बन आयन आएगा वो एरोमेटिक बनाएगा, क्या बनाएगा? एरोमेटिक बनाएगा। तो इन सब कारण के चलते ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन एसिड बेस हो सकती है सबसे पहले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कुछ क्वेश्चन करें एज ए प्रैक्टिस, बोलिए, करें स्टार्ट। आता है ना आपको पहले से ये सब? HCl के पास क्यों नहीं गया? ठीक है, ये एच निकाल लेगा, यहां से एच निकाल लेगा, तो HCl के पास तो जाएगा ही। ठीक है, HCl के पास तो रिएक्शन होगी। ठीक है, F तो इन भी है ना, साइज भी स्मॉल है, तो F माइनस साइज स्मॉल होने की वजह से कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो वो बॉन्ड टूटता नहीं है। ठीक है, अनुराग भारद्वाज आगे बढ़े, तो करिए ना बच्चों, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन करिए ना। CH3 MgBr की रिएक्शन किसके साथ? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, PHOH के साथ। डायकीटोन के साथ, साइक्लोपेंटाडायन के साथ, छत्री कोच के साथ। जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ऑफ कोर्स, बाकी जो बचा है वो भी तो लिखना है, प्रोडक्ट दूसरा भी लिखना है, और इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। क्या चाहते हो, छोड़ दूं? करिए ना फिर कंप्लीट। मैं जरा सबके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, हम कैसे लिखें CH4 निकलेगा उसका साइड प्रोडक्ट जो बचा वही, हाँ वो भी लिख लो। ये सब मैं, मेरे लिए गुना है, ठीक है, 10 गुना है 20 गुना। ओके, करें स्टार्ट। एक पूछ भी रहा था मुझसे कि सर आप अल्कोहलिक हो, मैंने पूछा कि डिपेंड करता है कि तुम इंक्वायर कर रहे हो कि ऑफर कर रहे हो। ओके, तो CH3 माइनस, यहां से H निकाले, क्या बनेगा? CH4 यहां पर आ जाएगा माइनस, और यहां आ जाएगा MgBr। इसमें कोई डाउट? क्लियर? सेकेंड, यहां से H निकाल लें, CH4 PHO माइनस और MgBr, क्लियर? नेक्स्ट, यहां से H निकाल लें, तो ये बन जाएगा CH4 MgBr, यस, माइनस और MgBr प्लस। कोई डाउट? ठीक है, यहां से भी H निकाल लें, एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH4 प्लस, यहां पर माइनस और MgBr। ठीक है, यहां से H निकाल लें, यहां से निकालेंगे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या बनेगा? CH4 माइनस। ठीक है, तो ये सारी एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, आप करीम खान के रहा, आप लगते भी हो दो पैग, ओ माय गॉड, बहुत इनोसेंट दिखते हैं। बहुत बेइज्जती हो रही यार, ये डायलॉग मैंने एक मूवी में सुना था, इसलिए मैंने लगा दिया। चुप रहे तू, डेली उठ के सुबह मंदिर जाता हूं मैं, दाढ़ी का। आगे बढ़ते हैं, ये सब मजाक की बातें होती हैं। ठीक है, बार बार ये जो क्लास में इथेनॉल आता है, आप दबे मुंह हंसते हो, ये सब मजाक, ग्लास मंगाया, ये सब मजाक। हाँ तो होता ही, तो हर जगह होता है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये डायलॉग है ना एक मूवी में सुना था,
यही के इंक्वायर कर रहे हो, वो मिथुन ने बोला था, मिथुन चक्रवर्ती ने, गोलमाल में मिथुन ने बोला था, तो मैंने यहाँ चिपका दिया। तो बाकी बातों पर मत जाना, ठीक है? आई एम टू मच इनोसेंट। आइसक्रीम में मंगा देता हूँ, बाकी मुझे क्लीन चिट दे दो आप लोग, ठीक है? दवाई में तो खैर होता है, एक स्टूडेंट लिख रहा है वी ऑल हैव टेकन अल्कोहल इन द मेडिसिन, तो उसमें कफ सिरप में होता है। आगे बढ़े, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लो बच्चों आप पढ़ते हैं यार, अब बहुत हो गया है ना, न्यूक्लियोफिलिक बहुत दिनों के बाद तो क्लास आई है और मैं सबके कमेंट्स पढ़ने में लगा हुआ हूँ, व्हाट रबिश, फिर भी पढ़ूंगा मैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा भी देते हैं, ठीक है? पहली चीज तो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर अपन एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो क्या होगा बताओ? ये पोलर है, पोलर, पोलर जानते हो? इसमें देखो पोलर का मतलब एक डायपोल है ये। अब डायपोल है तो ये ओपोजिट चार्ज वाला वहां जाएगा जहां प्लस चार्ज है, समझ आए? ये इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड जो वीक है वो टूटेगा जरूर, लेकिन ऑपोजिट चार्ज वाले क्लोज आएंगे और पाई को शिफ्ट होके ओ की तरफ कर देंगे। इज दिस क्लियर? तो यहां कार्बन के और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। अब इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा देते हैं? MgBr। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, उतना ये आसानी से यहां पहुंचेगा। इज दिस क्लियर? अब क्या ये स्टेबल है? नहीं है। जनरली क्या करते हैं? H प्लस H2 ले लेते हैं, एक्वस एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, ठीक है? और O माइनस पे अपन क्या करते हैं? H लगा देते हैं, एंड दैट शुड बी द आंसर, अल्कोहल बन जाता है। तो ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, ठीक है? अब कौन कौन से एल्डिहाइड क्या क्या रिएक्शन देते हैं, इसकी हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। मगर इतना ध्यान रखना कि एक तो जो रेट है वो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से कम हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात, इट इंक्रीजेस विद द डेल्टा प्लस चार्ज। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस चार्ज होगा उतना रेट बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है? इसको जल्दी से कॉपी करो, है ना? क्या कह रहे हो? बेस और न्यूक्लियो, देखो बेस का मतलब ये होता है जो H प्लस निकाले, बेस का मतलब है जो H प्लस निकाले, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन दे करके। दोनों बातें सेम नहीं है, दोनों अलग है। बेस के लिए हमेशा के भी दिया जाता है, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, थर्मोडायनामिक कॉन्स्टेंट के भी। इसके न्यूक्लियोफाइल के लिए कभी के एन यू थोड़ी देते हैं, इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, रेट से चलता है। अब बोलो क्लियर है? करें स्टार्ट, ठीक है? तो बच्चों करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, छोटे छोटे हैं यार, प्लीज आप थोड़ा और फोकस करो आज, है ना? 10-15 मिनट तो करो, फिर छोटी मोटी हंसी, समझ रहे हो? ये तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज, बहुत दिनों के बाद मिले हो। संडे को ले लूं? अरे मैंने है ना कुछ कैमरा वगैरह मंगाए हैं जो लैपटॉप में लग जाते हैं, और उससे क्या होगा कि क्या नहीं, वो उससे मैं अटैच करके और क्लास ले सकता हूँ। तो आपकी नीट के पहले मैं लिंक भेज दूंगा, नहीं मैं लिंक, अरे 2 बजे नहीं, आप पहले ये करो, मैं अपना प्लान नहीं बता रहा आपको, बस ये करो। कुल्फी मंगाई, कुल्फी जल्दी जल्दी।
मैंने इंतजाम कर लिया है, आप चिंता मत करो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के रिवीजन कराने का, ठीक है, शीट के क्वेश्चन डिस्कस करने का बहुत बढ़िया इंतजाम कर लिया है। फ्राइडे तक मैंने अमेजन पे ऑर्डर कर दिया, फ्राइडे तक मैं अरेंजमेंट कर लूंगा पूरा। शीट तो है हमारे पास पीडीएफ, पीडीएफ से हम डिस्कस कर सकते हैं, तो अपन हाँ स्क्रीन प्रेजेंट करके, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ज्वाइंड हो ना आप लोग, उसमें भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइंड हो उस पर भी दे देंगे, तो आप लोग आ जाना, ठीक है। यूट्यूब लिंक डाल दूंगा मैं, मचाएंगे, हाँ एक दिन पहले दे देंगे, एक दिन पहले, यूट्यूब लाइव मेरे चैनल पे, यूट्यूब लाइव, तो उस पे, पर आना तुम लोग, आते तो हो नहीं, मैं अकेला हूँ, ठीक, डिसलाइक करके जाओगे, अच्छा ठीक है। ये सब बोल रहा है, जग सुना सुना लागे, इस तरह जाते हैं आपकी क्लास के लिए, ओके, यस यस, पेंटैप से ही, पेंटैप तो ले लिया मैंने, वो अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। सर मेरी बहन यूट्यूब पे पढ़ाती है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा, हमारी आयान मिस्त्री बोल रहा, हमारी फ्लाइट बुकिंग कर दीजिए, हम जाएंगे एक साथ। अच्छा, यहाँ आने के लिए क्या, यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ मत आओ, ठीक है, ये करो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, सारे हो गए, इजी थे क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया होगा। ये बच्चों इसका नाम तो मैं बार बार लिख रहा हूं, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन, क्या बनाएगा बताओ, प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो यहां पर तो आ जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा OH, इथेनॉल बनेगा इससे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया था आंसर, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल अकेला ये बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, कोई और एल्डिहाइड लेने पर क्या बनेगा, यस सेकेंडरी अल्कोहल, इस पर एडिशन होगा, पाई शिफ्ट हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी NH4Cl दे देते हैं, इसका मतलब क्या, NH4Cl प्लस वाटर, ये किस में कन्वर्ट होता है, NH4OH और HCl, अगेन ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम ही H+ देने का होता है, तो ये दे दें चाहे ये दे दें, पर्पस एक ही है, H+H2, ठीक है, और इससे आंसर ये आ जाएगा, CH3 COH H और PH, कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, बोलो ठीक है। अगर हम कीटोन लेते हैं, किसी भी तरीके का कीटोन लेते हैं, तो यहां जो रिएक्शन होती है उसमें एडिशन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जैसे इसकी अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, अरे हाँ कि ना, तो ये पाई शिफ्ट होगा, और पाई शिफ्ट होगा तो ये अल्कोहल बोलो बन जाता है, ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, ऑल क्लियर, समझ गए। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल, हाँ बोलिए, ये 3 डिग्री। देखो मेरी बात सुनो, यहां एक एच है, एक कार्बन है और एक कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री वन है, तो आई होप इट इज क्लियर। हाँ वो मैंने गलत लिखा है ना इसको, हाँ ऐसे, पी में ये झापड़ी के देख इधर, ये आएगा पहले में, ठीक है, ऑल क्लियर। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन दूं, करोगे, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कितना बड़ा क्वेश्चन चाहिए बताओ, ठीक है ये करो, जेड तक के नहीं, ज्यादा क्वेश्चन लेंदी नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए, जिंदगी की तरह लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक
ठीक है करो, बहुत फर्क है बेटा। चलो आप इस पे फोकस करोगे तो शायद और अच्छा रहेगा, नीट फोड़ोगे। ये पी ओजोनोलिसिस, जिंक H2O, क्यू, ठीक है, ऑफ कोर्स कराऊंगा मैं बड़ा हूं, मैं कराऊंगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्यू है, इट हर्ट्स, ठीक है, क्यू जो बना है इसकी रिएक्शन एलआई लेच फोड़ दूं कि नहीं दूं? अभी नहीं दूं, ठीक है ठीक है। जिंक HgHCl दे दूं? जिंक HgHCl R, ठीक है, जिंक HgHCl R, फिर Br2Hμ S, ठीक है, Br2Hμ S, फिर मैग्नीशियम ड्राई ईथर T, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ? Q के साथ और H प्लस H2O, और ये बनेगा U, ठीक है। अब बताओ, छोटा क्वेश्चन है, ये Q है, करिए ना, कंप्लीट करिए ना इसको, एंड डोंट घबराओ, जस्ट चिलोफाई, यू नो एवरीथिंग, जस्ट फोकस, ओके, थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हो जाएगा। अल्कीन पहले, यस अनुराग, पहले पे ही मत अटको, आगे बढ़ते जाओ, टू ब्यूटीन है, यस हो गया सर। मैंने, मैं दो मिनट और दूंगा, आप चिंता मत करो, दो मिनट और दूंगा मैं, हाँ ठीक है ठीक है, इतने मिनट नहीं मिलने वाले हैं। एक्चुअली मैं अपने बच्चों से दुखी था कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। आज मैं क्लास में आया तो मुझे लगता है वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट, चलो 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 चलो, पहली बात होता, अल्कोहलिक KOH, डी हाइड्रोहेलोजनेशन, अल्फा से लिविंग ग्रुप, बीटा से एच, आंसर में ब्यूटुइन, मजा लीजिए। ओजोनोलिसिस, बॉन्ड ब्रेक, इथेनल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हैं या इथेनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिंक HgHCl, क्लेमेंसन, मेंशन क्लेमेंसन, क्या बनेगा बोलो? इथेन, इथेन, फिर Br2Hμ, क्या बनेगा? फोटो हैलोजनेशन, कौन सी रिएक्शन? FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड, CH2MgBr, और बच्चों ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन क्यू से, यस, ठीक है, इससे एडिशन हो जाएगा, ठीक है, और ये है, ये आंसर आ जाएगा CHOH। एक बच्चा बोला सर ये नाटक क्यों किया आपने, मैं तो इससे बना लेता डायरेक्ट एक्वस KOH से, लेकिन ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, लास्ट में बताना चाहिए था, ये समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, ऑल करना चाहते हो कि सर आगे पढ़ाओ यार, आगे पढ़ाऊं? थोड़ा वॉल्यूम कम है आज, यस थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाते हैं, गला खराब हो रहा है अभी। आपको पता है फ्राइडे इवनिंग से लेकर के मंडे तक मुझे फीवर था, उधर ही नहीं रहा था, वायरल था, बच गया मैं, थोड़ा अभी एनर्जी समझ रहे हो डाउन हो रही। आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हाँ वही बात है।
मुझे पता है तुम लोग जो है झाड़फूक बाबा से एक चूर्ण लाए थे, वो मुझे लेना नहीं, ठीक है। इसमें देखो सी डबल बॉन्डो के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, अगली बार बताएंगे। तो लिविंग ग्रुप जो है क्लोरो ब्रोमो आयोडो ईथर और अनहाइड्राइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहां एल्डिहाइड कीटोन की बात नहीं हो रही, यहां हमने लिविंग ग्रुप लगाया है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ईथर एस्टर अनहाइड्राइड, कुछ भी लिया जा सकता है। गुड, अब जब इसकी रिएक्शन को अपन कराते हैं ग्रिग्नार्ड से, मैं एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन को अपन कराते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड से, CH3MgCl। तो क्या होता है बोलो, बताओ। ये न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, पहले ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है, ये बना लेता है एडिशन प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पहले ऐड हो गया ये, ठीक है। अब क्या ये स्टेबल है, नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भाग जाएगा बिकॉज इट इज लिविंग ग्रुप, और ये क्या बना लेगा, आर सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री, बाहर क्या हो गया सी एल माइनस। ये लिविंग ग्रुप है, इसको हटा के हमने ग्रिग्नार्ड लगाया है, कितना ग्रिग्नार्ड अभी तक कंज्यूम हो चुका है, एक हुआ। लेकिन बच्चों ये आगे भी जा सकती है रिएक्शन, जा सकती है कि नहीं, पक्का एडिशन हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो ये बना लेगा R C O माइनस सी एच थ्री सी एच थ्री, क्लियर। कितना ग्रिग्नार्ड यूज हुआ, दो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या आप और एडिशन कर सकते हो ग्रिग्नार्ड का, नहीं, अब कोई पाई बॉन्ड बचा ही नहीं है, तो वही H प्लस एच टू से रिएक्शन करवा के और हम बना सकते हैं अल्कोहल, दैट्स ऑल, क्लियर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, करें क्या। वो तो कुछ नहीं, वो तो एक्सेस दे देगा, कितना एक्स इक्वलेंट, अब एक्स बताओ, वो भी क्वेश्चन हो सकता है, किया जाए कुछ क्वेश्चन। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ क्या कह रहा है, अब वो तो मुझे पता आते हैं, तुमने देखे हैं, मैंने बनाए हैं, अब भी बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसमें, अच्छा ठीक है, सही क्वेश्चन करवा लेता हूँ, ठीक है। चलो बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप तो जानते हो एनजे सर मतलब क्वेश्चन, ठीक है, बिना क्वेश्चन के कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये करो बच्चों, पीएच एमजीसीएल कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताना है, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसको एक्सेस, ठीक है, शॉर्ट में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं देखो आप सोचो, देखो आप कोशिश करो कि समझ में आए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। इसकी रिएक्शन सी एच थ्री एम जी बी आर एक्सेस, ठीक है, एन एच फोर सी एल, देन क्वेश्चन नंबर थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, चलो ये करते हैं ओ एच, ठीक है, प्लस पी एच एम जी सी एल, ठीक है, एच प्लस एच टू, ये बताओ। देन क्वेश्चन नंबर फोर सी एच, एक काम करो ये करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ, इस बार नीट में आने वाला है, नीट 2022, ठीक है, ये आने वाला है, ये फोर्थ वाला, नीट के एक दिन पहले चैनल पे मैं वो दूंगा, क्या बोलते हैं, सेशन, मतलब पढ़ाने वाला, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल पेपर में क्या आने वाला है।
वो पेपर मिल जाएगा। जो फाइनल टच रिवीजन कोर्स है ना, उसमें वो लोग डायरेक्ट डाउट पूछते रहते हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन चलता रहता है, सर ये हो गया ये नहीं हुआ, वो चलता रहता है। वो पास में जो चल रहा है आईआईटी के लिए, आईआईटी के लिए, वो आईआईटी के लिए है। आपका तो यही कोर्स लास्ट है, नीट का तो लास्ट है। ऑफ कोर्स टेंटेटिव क्वेश्चन नहीं, यही आने वाला है, विश्वास करो तुम। एफटीआर का आप कोई चांस देखते हैं? फिर भी सर बोलेंगे आप कुछ सुना नहीं दे। क्या चीज कौन सी? नीट का क्या? चलो करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। पहला हो गया, देखो इसको लिविंग ग्रुप को हटाइए, लिविंग ग्रुप को हटाइए, तो यहां आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OPH और यहां आ जाएगा O-CH3। बोलो ठीक। इसीलिए मैंने बोला था प्रोडक्ट बताने, क्योंकि ये भी तो H प्लस थैंक यू। इसके बाद इसकी आगे भी रिएक्शन हो सकती है, ये तो बनाएगा दो पीएच, ठीक है 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये दो आंसर आने चाहिए। अब एग्जामिनर क्या होते हैं, ये गायब कर देगा और ये दे देगा। ध्यान रखना, भूल मत जाना कि ये भी लिविंग ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। कुछ समझ में आया? और ये गलती कर देते हैं बच्चे, गलती कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट बताओ। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, जाए तो जाए, ऑर्गेनिक है नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दूं, CH3 COH CH3 CH3। बोलो ठीक। इसमें ये हटा दे, बिल्कुल सही बोला बेटा तूने, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये एसिडिक है छे, देखो गॉट इट, समझ गए, गलती ना करी। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देखनी है? एसिड बेस। तो अब क्या होता है, फ्लो में सबके दिमाग में चलता रहता है कि सर एक जैसा क्वेश्चन दे रहा है, इसको निकाल दीजिए, वो गलत हो जाता है, ये एनायन बन जाता है। अब इसके पास पीएच माइनस जब आता है, ये भी माइनस, तो ये क्या करते हैं, दे रिपेल, रिपेल करते, नो रिएक्शन, समझ गए। नेक्स्ट बताओ। अब देखो ये वाला जो ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, हाँ बताओ, टूट जाएगा है ना। एक बार मैं इंटरमीडिएट बना के बता देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा ओ माइनस CH3 और ये बनेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जब वापस करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। सो 1 2 3 1 2 3 और यहां O माइनस आ जाएगा, क्लियर है। ये तो H ले लेगा, अल्कोहल बना लेगा, लेकिन अभी उधर गुंजाइश है, और एडिशन हो सकता है, तो CH3 माइनस यहां पर एडिशन कर सकते और कर सकते तो करते, तो यहां पर एक दो CH3 आ जाते, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये OH, ये आंसर आएगा। एक्सेस जब तक कुछ नहीं दिया हो तब तक एक्सेस ही लेना है, अगर वो 1 इक्विवेलेंट दे देता है तो फिर रख लेना। H2O? अच्छा इसमें से वाटर निकाल लें? नहीं नहीं, ये तो ईथर बनाना है, गलत हो रहा है, हाइड्रोलिसिस करा ही रहे हैं हम, आप ईथर मत बना देना उससे, वाटर निकाल के हीटिंग कहाँ हो रही, कुछ नहीं करना है ऐसे। नहीं नहीं आप समझो बात को, जब तक हाइड्रोलिसिस है तब तक ईथर मत बना देना, ईथर से तो वैसे ही दो अल्कोहल बनते हैं, एक ईथर से H+H2O की रिएक्शन करा के दो अल्कोहल बनाते हैं, तो उल्टा क्यों जा रहे हो आप, वो मत करना, सोचना भी मत उस डायरेक्शन। बढ़े आगे, इजी था ये, इंटरेस्टिंग था,
इजी नहीं था, तो एक काम करो मैं इजी कर देता हूं इसको, प्रैक्टिस से ही चीजें इजी होती हैं, तो एक काम करो बहुत ही छोटी सी टेबल बनाओ, बहुत छोटी सी टेबल बनाओ, CH3 MgCl, ठीक है, रिएक्शन विद pH, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ pH एंड H प्लस H2O, इसका आंसर ऐसे स्पाइडर की तरह लिखते जाओ, इजी है ना, एक तो ये बिल्कुल टफ है, इसके साथ कराओ, ये दूसरा, इसकी रिएक्शन कराओ बच्चों, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ OPH के साथ H प्लस H2O, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ फिनॉल के साथ PHOH के साथ, पूरा ग्रिग्नार्ड एक पेज पे करा देता हूं मैं, H प्लस H2 के साथ, ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराओ एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराओ, बताओ ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और मैं थोड़े कमेंट्स भी पढ़ूंगा बच्चों के, ठीक है, ये भी एक रीजन है, ऑफ कोर्स मजा आता है मुझे, कमेंट्स तो पढ़ने चाहिए, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है ये इससे कराओ इपॉक्साइड के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ CH3CN के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट CO2 के साथ कराओ, और ये रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ एंड H प्लस H2। अब फटाफट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी, नीट का FTR अभी तो बच्चों कुछ सोचा नहीं है कि क्या होगा, लेकिन देखते हैं, ओके, सब बोलेंगे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, हाँ ये बात भी सही है, FTR नहीं, नीट का FTR नहीं, चारों 3 डिग्री, प्लीज 3 डिग्री वाला एक्सप्लेन कीजिए अगेन, ठीक है, तेंजिन बोल रहा है 3 डिग्री वाला एक्सप्लेन कीजिए, 3 डिग्री वाला, ये वाला क्या लास्ट वाला, इसमें देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहां तक तो हो गया होगा ना, इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, C डबल बॉन्ड हो, यहां जोड़ना है CH3, इस बॉन्ड को हमने लीविंग ग्रुप की तरह फ्री कर लिया, लीविंग ग्रुप की तरह फ्री कर लिया, ठीक है, अब क्या करना है, अब CH3- का एडिशन करा देना है इस पर, ठीक है, और एडिशन कराने से इस कार्बन पर O- आ जाएगा, एक CH3 आ जाएगा, एक और CH3 आ जाएगा, एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, और यहां पे O-, एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, गेम ओवर, ठीक है, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अब तो सब हो जाएंगे, तेंजिन बहुत देर बाद मैंने डाउट बताया तुम्हारा यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जूम पर ही चल रहा है ना, तो मैंने कुछ अरेंजमेंट घर पे बना लिया है, ठीक है, कुछ कैमरा ऑर्डर किए हैं, तो हम कनेक्ट हो सकते हैं और डिस्कशन वगैरह वो सब चीजें अपन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग क्लास में आओ जब भी, और जूम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब ये भी सही कह रहे हो आप, जूम पे कर लेते हैं, जूम पे क्या रहेगा, लिमिटेड बच्चे रहेंगे और अपना बैच रहेगा, और उसमें क्या है, आप भी अनम्यूट कर सकते हो, कुछ बच्चे वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, कल एक बच्चे ने वीडियो ऑन किया था जूम में, बनियान पहना हुआ, देखो बेटा इस तरीके का चार्ट बनाओ आप, हाँ वही वाला, ठीक है, तो मैं इसका PDF दे दूंगा आप लोगों को, जो ऑनलाइन है, जो ऑफलाइन है उनको प्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको
इस तरीके से क्या है, एक पेज पर बहुत सारी रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करने से लास्ट में कंफर्टेबल हो जाओगे आप, और आप सोचोगे नोटबुक में लिखा रहे और हमको याद हो जाए, तो वो होने वाला टिप्स पे जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये मैं दे रहा हूँ, क्लास के बाद मुझसे लेके जाना। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक का चार्ट सबको, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे, पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। आप चाहो तो प्रिंट निकाल लेना। करें स्टार्ट, ये वाला तो हो गया हुआ, फर्स्ट वाला, ये सब तो इजी है, दो तीन ऐसे हैं जो हमने पढ़े नहीं है, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, मेरे हिसाब से ये लिविंग ग्रुप है, मैं ऐसे सोचता हूं, वो मैं बताऊंगा स्टार्ट कहां से करें। तो यहां पर आ जाएगा पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और ये आ जाएगा ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये आ जाएगा। और इसके बाद एक बार और यहां एडिशन होगा और यहां पर आ जाएगा ओ एच, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये मैं जब मैं ऐसा देखता हूं तो सी डबल बॉन्डों से मैं लिविंग ग्रुप ढूंढ लेता हूं, और एक बार मैंने लिविंग ग्रुप ढूंढ लिया तो कहानी मेरे लिए बड़ी सिंपल हो जाती है, ठीक है। एक बार बी आर हटेगा और एक बार और एडिशन होगा, ठीक है। वैसे कोई इस बात की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रिएक्शन है, इसमें पहले हमने इसको ऐड कराया था सी एच थ्री को, याद है, इसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन। फिर हमने लिविंग ग्रुप को निकाल दिया था, एलिमिनेशन कराया था। तो इसको इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एस एन ए, एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि पहले हमने ऐड किया फिर निकाल दिया। लेकिन इफेक्टिवली क्या किया, इफेक्टिवली हम लिविंग ग्रुप को हटा करके और यही तो लगा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, और वही चीज यहां पे भी करनी है जो मैंने स्पाइडर दी है, बी आर को हटाया सी एच थ्री लगाया, फिर एक बार और ऐड कर लेंगे। अरे हाँ कि ना, अब ऐसे क्वेश्चन से डर खत्म हो गया, कर लोगे भिड़ जाओगे। अच्छा, इसमें ये लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो एक तो ये आ जाएगा सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री और पी एच ओ एच आ जाएगा, क्लियर। बच्चों इसमें दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना ये भी है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड कुछ और सोचने वाला नहीं है, ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, एच छत फोर बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा, पी एच ओ माइनस और एम जी सी एल, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, इजी था भाई। एसिड बेस है ना, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है, ये बेबी एटम है, बेबी को सी एच फोर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये बनाया, ये तो बच्चा है, एकदम बच्चे से भी बच्चा है ये, ओ एच एच सी एच थ्री, कोई प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा बोलो, इसमें ओ एच और सी एच थ्री आ जाएगा, बोलो ठीक। अब हमारे पास ईथर है, साइनाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये मैं एक एक करके बताता हूं और ये चैप्टर हमारा ग्रिग्नार्ड कंप्लीट हो जाएगा। करें स्टार्ट, सबसे पहली बात, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की हम देखते हैं किस पर, इपॉक्साइड्स पर। तो इपॉक्साइड जो होते हैं ये साइक्लिक रिंग होती है, अनस्टेबल साइक्लिक रिंग, ठीक है। इसकी रिएक्शन को अगर हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड से, किससे, ग्रिग्नार्ड से, तो क्या होगा बताओ, ये इस पर अटैक करेगा और ये रिंग टूट जाएगा, स्ट्रेन रिंग है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाता है, यहां सी एच थ्री, यहां सी एच टू, यहां ओ माइनस और एम जी बी आर, बोलो ठीक। और उसके बाद जब अपन H प्लस और H2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो ठीक, क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास ऐसा कोई इपॉक्साइड हो जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग
अलग अलग हो, इसकी रिएक्शन को हमने कराया पीएच एमजीबीआर के साथ, बताओ क्या होगा? ये है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो जहां क्राउडिंग कम होगी वहां अटैक होगा और ये रिंग ओपन हो जाएगी। नहीं आया, क्लियर है? तो इन दोनों में से ये कम क्राउडेड है, ये ज्यादा क्राउडेड है, और फिर जब ऐसा होता है तो यहां पर O माइनस आ जाता है, और फिर O माइनस से हम H प्लस जोड़ के और अल्कोहल बना लेते हैं। अब बोलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन करोगे क्या आप? अब तो सीख गए, ठीक है, दे दीजिए। सर में करा था इस सर अनहाइड्राइड, सर थोड़ा और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन करोगे तो ये समझ गए, क्लियर? इपॉक्साइड समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों रिएक्शन देखते हैं हम साइनाइड पर, किस पर? साइनाइड पर। तो अगर साइनाइड की करें बात, एक मिनट रुको, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, समझ में आ जाएगा। साइनाइड पर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड की, तो पहले हमने लिया CH3MgBr, ऐसे लिखते ना अपन फर्स्ट, इसका मतलब ये लिया और इससे रिएक्शन कराई, कराते जाओ जब तक कंप्लीट ना हो जाए। फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो ग्रिग्नार्ड को हटा दो और फिर H प्लस और H2 को ले आओ। तो जब H प्लस और H2 को लाएंगे तो ग्रिग्नार्ड को हटा देंगे, क्योंकि पता चला दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ये समझ में आया? अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, होता क्या है, ये पोलर ग्रुप होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन पर डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस रहता है, तो जो CH3 माइनस है वो कार्बन पर करता है अटैक और पाई शिफ्ट होके एन की तरफ आ जाता है, और पहले ये बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड एन और यहां माइनस आ जाता है। बोलो ठीक, क्लियर है? ये कौन सी स्टेप है? ये एडिशन है। अब और ग्रिग्नार्ड इस पे रिएक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ग्रिग्नार्ड भी नेगेटिव चार्ज है, एंड दे बोथ दे रिपेल, ओके, तो इस पे रिएक्शन होने वाली नहीं। अब ग्रिग्नार्ड को हटा दो यहां से, अब ले जाओ H प्लस H2। जब हम H प्लस H2 को लेके आते हैं तो जो H प्लस है वो नाइट्रोजन से दोस्ती कर लेता है, तेरे पे नेगेटिव चार्ज, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, लेट्स मेक फ्रेंडशिप, ठीक है, बना लेता है। इसके बाद इस पर अपन H2O की रिएक्शन कराएंगे, और H2O की जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, वही जो हमारा ट्रिक है, मोर को लेस से, लेस को मोर से ज्वाइन करना है, समझ गए? तो ये तो बच्चों खुशी खुशी अमोनिया बन के भग जाएगा, और ये समझ में आया, और कार्बन पर दो OH आ जाएंगे, कार्बन पर क्या आ जाएंगे, दो OH, और इसमें से वाटर का लॉस करा के और आंसर बना लेंगे कीटोन बना लेंगे। मैंने पूरा मैकेनिज्म इसलिए बताया क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर कीटोन आ रहा है और बच्चे सोचते हैं यार कीटोन की तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होती है, तो वो ऑप्शन गलत कर देते हैं, समझ गए? लेकिन इसमें अब आगे रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि आपने पानी मिला रखा है, ग्रिग्नार्ड को हटा दिया है, तो ये कीटोन तक ही रुक जाएगा, और कंफ्यूजन यही होता है क्योंकि देखते हैं यार कीटोन कैसे आंसर हो सकता है, ग्रिग्नार्ड तो कीटोन से रिएक्शन कर जाएगा लेकिन इसमें आंसर कीटोन आएगा। अब बोलो ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म पूरा ढंग से लिखो, ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करो, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, अब कोई लैग ही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट बच्चों तक पहुंच रहा है, बस करो यार तुम जल्दी लिखो। लिख लिया। अब एक और रिएक्शन है, ये देखो ध्यान से, CO2 के साथ रिएक्शन, ऐसी सेम रिएक्शन SO3 के साथ आप बनाना, CO2 से मैं बता रहा हूं। तो हमने लिया ग्रिग्नार्ड, क्या लिया? ग्रिग्नार्ड लिया, रिएक्शन कराई CO2 के साथ, यहां क्या रहेगा, डेल्टा प्लस, यहां क्या रहेगा, डेल्टा माइनस, यहां क्या है, CH3 माइनस, इस पर करेंगे अटैक और पाई शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, तो इससे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 O- और MgCl, कोई डाउट? और फिर हम इस पर H+ H2O से जोड़ देंगे और अल्कोहल, सॉरी एसिड बना लेंगे,
ठीक है, तो सेम रिएक्शन बच्चों इस पे करके बताओ जरा। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फॉर टाइम तो करें स्टार्ट। ये बना लिया, ये शिफ्ट करा लें, यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस सी एच थ्री और ओ एच। अच्छा यहां पर छोड़ देते हैं, फिर यहां पर ओ एच आ जाएगा, तो सी एच थ्री एसओ थ्री एच हो जाएगा ये। ठीक है, ओके एक लास्ट है बच्चों, ग्रिग्नार्ड दो मॉलिक्यूल, ग्रिग्नार्ड कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो मोल ये बना लेते हैं, और जो एच प्लस एच टू ओ से रिएक्शन करके दो मॉलिक्यूल अल्कोहल बना लेते हैं। तो अगर हमारी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड की ऑक्सीजन के साथ, तो दो मोल ग्रिग्नार्ड एक मोल ऑक्सीजन के साथ दो मोल अल्कोहल बनाते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ओके अब बच्चों ये तो करो कॉपी, और वो जो टेबल है ना, ठीक है उस पर चलते हैं, जो बचे हुए सब कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब कोई धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब मैं स्लो पढ़ा रहा हूं क्या आज, फास्ट करूं? ये करो जल्दी इस बच्चों, कंप्लीट करो इसको। मैं प्लान करके आया हूं, मुझे ऐसे पढ़ाना है, धीरे धीरे लगेगा आपको, लेकिन अगर आप चाहो तो स्पीड बढ़ा लेंगे। अच्छा अपलोड धीरे धीरे हो रहा है, अच्छा अपलोड धीरे, अपलोड तो अपलोड का कुछ नहीं कर सकते हैं, जो टीम है वो पहले उसको एडिट करते हैं, फिर उसमें इंट्रो लगाते हैं, वो बहुत दो दिन तो लगेगा ही लगेगा उसमें, वो करके देख लिया आप, आपको प्रॉमिस भी कर दें कोई फायदा नहीं है उसका, इसलिए दो दिन की तो छोड़। अब अपन ऐसी जगह पे आ गए हैं जो बच्चों के टॉपिक इतने स्ट्रांग होते नहीं है, फिनॉल अल्कोहल अमीन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन, तो मैंने इसीलिए पहले अच्छे से कवर कर लिया टाइम, अब मैं डिटेल में ही पढ़ाना चाहता हूँ बायो मॉलिक्यूल तक, ताकि क्वेश्चन भी तो सही कराने हैं, जितने भी रहे मतलब बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर ये सब आराम से ही करेंगे भाई। हमारा एम ये है कि भाई क्वेश्चन सारे सही हो, और वो तभी होंगे जब कुछ प्रैक्टिस कुछ समझ रहे हो, इस तरह से होगा तो आगे बढ़े। इसको तो बना ले, बना लिया आपने, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, यहाँ क्या आएगा बोलो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है यहाँ क्या आएगा बोलो, सी एच थ्री यस इथेनोइक एसिड, ये बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा बोलो, सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल आएगा। अब बोलो ठीक है, रिकॉर्डिंग से फिर आप अपना क्लियर कर सकते हो, सही बात है, स्पीड में देख करके कर सकते हो। क्या चीज, साइनाइड, साइनाइड वाला देखो, साइनाइड में क्या है कि ये पोलर, जैसे सी डबल बॉन्ड हो है वैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा पाई शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर क्या करें H प्लस एच टू से इस पे H लगा देंगे, अब ये पोलर बॉन्ड इस पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर की रिएक्शन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव O को किससे जोड़ेंगे, कार्बन से, जो कि लेस है इन दोनों में, इन दोनों में ये लेस है उसको मोर से जोड़ेंगे, तो नाइट्रोजन को दो H मिलेंगे जिससे वो अमोनिया बन के उड़ जाएगा, कार्बन को दो OH मिलेंगे और फिर वाटर के लॉस से कीटोन बना लेंगे। बोलो ठीक, अब तो मैंने पूरा एक एक चीज क्लियर कर दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ग्रिग्नार्ड में बहुत अच्छे से अपन ने काम कर लिया है, बस एक लास्ट चीज ग्रिग्नार्ड की बची हुई है, और वो ये है कि भाई ग्रिग्नार्ड एक नेचुरल न्यूक्लियोफाइल भी है, ग्रिग्नार्ड क्या है, नेचुरल न्यूक्लियोफाइल भी है, और इसकी रिएक्शन अगर अपन सी एच थ्री सी एल से करा दें तो क्या होगा बताओ,
भाई ये है लीविंग ग्रुप, पढ़ चुके हैं ना पहले, और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस पर बच्चों अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को बाहर भी कर सकता है, और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा। तो आंसर ये आ जाएगा CH3CH3। ऑल क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट। ठीक है,